नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने राइट एंगल ट्रायंगल का कंप्लीट नहीं किया पूरा का पूरा चैप्टर। तो मेरे मित्र, मैं आपके सामने आ गया हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए। आइए तो मैं सीधे सीधे आपको लिए चलता हूँ बचे हुए क्वेश्चन की ओर, सीधे सीधे क्वेश्चन पे। मेरे मित्र आइए, पहला सवाल आपके पास है, 19 नंबर 18 नंबर तक करा दिया था, ठीक है। एक त्रिभुज की परिमाप 30 सेमी और क्षेत्रफल भी 30 सेमी है, यदि उसकी सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी है तो सबसे छोटी भुजा बताइए। अब देखो, परिमाप 30 बता नहीं सकते कौन सा ट्रायंगल है, एरिया 30 नहीं बता सकते कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा 13, ये केवल एक स्टेटमेंट ऐसा है जिससे कहीं ना कहीं दिलो जेहन में ये बात मेरे मित्र आता है, ठीक है, कि सर सबसे बड़ी भुजा, इसकी डिस्कस हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कहीं ये समकोण त्रिभुज का कर्ण तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, कहीं ये समकोण त्रिभुज का कर्ण तो नहीं है, ज्यादा चांस है कि ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मेरे मित्र आप ही बताइए, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, मैंने समकोण मान लिया और कर्ण को मैंने 13 कह दिया, तो क्या आप 13 कर्ण के लिए कोई ट्रिपलेट पढ़े हैं? हाँ सर, केवल एक ट्रिपलेट पढ़े हैं, वो क्या है, 5 है, 12 है और मेरे मित्र 13 है, ठीक है, 5, 12 और 13। तो 13 कर्ण के कारण, 13 कर्ण से हम एक ही ट्रिपलेट पढ़े हैं, 5, 12, 13, जिसमें 13 क्या है, कर्ण है, हाइपोट्रीज है। लेकिन क्या ये मेरा मानना सत्य है? ये मेरा मानना सत्य तभी होगा जब मेरे मित्र परिमाप 30 साबित होगा और एरिया 30 साबित होगा। आप निकाल के देख लो, आपको साबित हो जाएगा। मेरे मित्र आप परिमाप अगर इसका निकालने जाओगे तो यही पाओगे, क्या 5 सेमी, मेरे मित्र 12 सेमी और मेरे मित्र क्या हो गया, 13 सेमी। तो क्या कहोगे, 5, 12 और 13 अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 17, 17 और 13 क्या हो जाएगा, 30 सेमी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि परिमाप 30 साबित हो गया। मेरे मित्र अब जरा एरिया भी चेक करके देख लेते हैं। एरिया चेक कर लेंगे, 1/2, ठीक है, आधार गुने लंब, मेरे मित्र 12 गुने 5, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 30 सेमी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपने क्या देखा कि हम 13 को हाइपोटनीज जैसे ही माने हैं तो फिर परिमाप भी साबित हो गया 30 और एरिया भी साबित हो गया 30। अतः मेरा ये कहना कि ये एक समकोण त्रिभुज है वो गलत नहीं है, वो परफेक्ट बिल्कुल सही है। तो अब आप ही बताइए, जब ये समकोण त्रिभुज मेरा कहना सही है तो सबसे बड़ी भुजा अगर 13 हुआ तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा, 5 सेमी होगा, सबसे छोटी भुजा क्या होगा, 5 सेमी होगा। तो यही तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने के, सबसे बेस्ट, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आपका क्लियर होगा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे मित्र, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है हमसे, जरा इसको भी समझते हैं, ठीक है मेरे मित्र। जब इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ध्यान दे इस क्वेश्चन पे। फिर क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 है, अच्छी बात है, और क्षेत्रफल 60 है, ये भी अच्छी बात है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? तो देखिए वही स्टेटमेंट फिर दोहरा दिया कि सबसे लंबी भुजा अगर 17 है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा। क्या आप 17 से कोई ट्रिपलेट पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं, सबसे लंबी भुजा 17। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे मित्र ये इंडिकेट कर रहा है कि हम समकोण त्रिभुज के कर्ण हैं और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, 17 सेमी। अब आपसे पूछता हूँ कि सब समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर 17 हो जाए तो मेरे मित्र लंब कितना, लंब 8 सेमी और आधार कितना, आधार 15 सेमी, क्योंकि हमने ये ट्रिपलेट पढ़ा है 8, 15 और 17। पढ़े हैं यस और नो, आप कहेंगे हाँ सर आप पढ़ाए हैं, हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कारनामा कब सत्य होगा, मेरा ये कारनामा तब सत्य होगा जब परिमाप 40 और मेरे मित्र एरिया 60 पॉसिबल होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मेरे मित्र पेरीमीटर निकाल लेंगे। यहाँ से हम पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो परिमाप देख लेंगे, तो मेरे मित्र ये 8, 15 और 17 ये बिल्कुल हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे मित्र एरिया की बात करोगे, एरिया निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, गुना आधार मेरे मित्र ये 15 और मेरे मित्र ये लंब कितना 8, तो यहां से भी कितने हो जाएंगे 60।
तो मेरे में तो परिमाप भी साबित हो गया, एरिया भी साबित हो गया। अतः मेरा ये कहना कि ये 17 सेमी जो दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज के ही कर्ण है, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप बताइए, अगर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 17 हो गया तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा? 8 सेमी 8 सेमी और 8 सेमी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी और कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। तो लीजिए मेरे मित्र, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। मेरे मित्र देखो, 21 हमसे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मित्र 21 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप है 56, मतलब परिमाप है 56, और समकोण त्रिभुज का एरिया कितना दिया हुआ है 84। हमसे पूछ रहा है कि बताइए विकर्ण कितना होगा। मेरे मित्र विकर्ण मतलब यहाँ पे हाइपोटनीज है, और हाइपोटनीज विकर्ण जिसे आप एक और नाम से जानते हो कर्ण, ठीक है, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं कर्ण। तो पहले मैं आपको इसे बेसिक से बता देता हूँ, फिर एप्टीट्यूड पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। देखिए मेरे मित्र, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझने की कोशिश करिएगा अच्छा रहेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मेरे मित्र मैं अगर लंब को पी कह देता हूँ, आधार को बी कह देता हूँ, और मेरे मित्र कर्ण को यदि मैं एच कह देता हूँ, तो क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है ना। या लंब आधार कर्ण को पी बी एच ना कह के अगर मैं ए बी सी कह दूं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ए बी सी कह दूं तो भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मुझे कहा गया कि परिमाप है मेरे मित्र 56। परिमाप 56 का मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है अपने पास? 46 है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एरिया कितना है? एरिया है मेरे मित्र 84। अब आप मुझे ये बताइए, समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे लिखते हैं? 1/2, ठीक है, और बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी 1/2 और लंब गुने आधार, यही होता है समकोण त्रिभुज का एरिया जो दिया हुआ है 84 सेमी स्क्वायर। अगर यहां से मैं ए इंटू बी निकालने जाऊंगा, ये कंफर्म हो जाएगा 168 सेमी स्क्वायर, 168 सेमी स्क्वायर। मेरे मित्र एक बात बताओ, मजे की बात हो गए क्या? आप इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जो तरीका दे रहा हूं उस तरीका का पालन करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। कहिए क्या मेरे मित्र, आप तो जान रहे हो कि ये मेरे लिए क्या है? लंब है, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? आधार है। तो क्या मेरे मित्र हम यहाँ पर कुछ गेस कर सकते हैं वैल्यू? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल भी गेस कर सकते हैं। 168 अगर समकोण त्रिभुज है तो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप भी इंटीजर में और एरिया भी इंटीजर में, तो निश्चित ही ये ट्रिपलेट का पालन कर रहा होगा। तो आप कोई ऐसा ट्रिपलेट का ही दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 168 आएगा। तो कहेंगे सर एक ट्रिपलेट हम क्या क्या पर हैं? 3, 4, 5 के बाद क्या पर हैं? 5, 12 और 13। उसके बाद क्या पर हैं? 7, 24 और 25। 7, 24 और 25 में 7 × 24 168, बिल्कुल 168 हो जा रहा है। इसका मतलब मेरे मित्र ये 7 × क्या है 24, 7 × 24, यानी मेरे मित्र हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम मेरे मित्र यहाँ पर ना लंब को मेरे मित्र 7 एज्यूम करके और आधार को मेरे मित्र हम 24 बोल सकते हैं, ठीक है, आधार को हम 24 बोल सकते हैं। ये अगर 7, ये अगर 24, तो ये कंफर्म है कि क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कारनामा सत्य तब होगा, हम किसको लेके काम किए हैं? हम एरिया को देकर ये सब कुछ किए हैं। तो अगर एरिया को देखकर ये किए हैं तो पेरिमीटर सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जरा देखिए सेटिस्फाई होता है क्या? मेरे मित्र 7, 24 और 25, जरा आप इसको ऐड करके देखिए, बिल्कुल 56 आ जाएगा एकदम। मेरे मित्र ये क्या हो गया है? प्रूव्ड हो गया है ना। तो अगर ये प्रूव्ड हो गया है तो आप क्या सोचना है? हमें पूछा विकर्ण क्या होगा, तो बोलिए विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण मेरे मित्र 25 हो जाएगा। वेरी क्लियर है और वेरी क्लियर है। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो इसी अंदाज में आता है कि आप आराम से इसे एज्यूम कर पाएंगे जैसे मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। कैसे ट्रिपलेट याद रहेगा, कैसे ट्रिपलेट बनाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे मित्र ये देखिए अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश आप लोग करिएगा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह ट्रिपलेट ही काम करे, इतना आसान नहीं होता है कि हर जगह हम ट्रिपलेट का ही प्रयोग कर लें। जैसे देखो ये एक प्रश्न है,
आप इस प्रश्न को मेरे मित्र MBBI बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा नहीं देखने को मिलता है, और जब भी देखता है, जब भी दिखता है तो मेरे मित्र रुला डालता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कहता है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 30 सेमी है और कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 6 सेमी है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर, परिमाप समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर 30 सेमी है तो 5 12 13 है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट है जिसको जोड़ने पर बिल्कुल 30 आ जाएगा, परिमाप तो सक्सेस हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपने तुरंत दिमाग क्या लगाया, अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 है तो हमारा ट्रिपलेट निश्चित है कि 5 12 और 13 ही काम करेगा। आप जोड़ के देख लीजिए 30 आ जाएगा, परिमाप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपने परिमाप को देख करके 5 12 13 सोच तो लिया, लेकिन ये तभी सत्य होगा जब वो 6 को सेटिस्फाई करेगा। तो वो 6 क्या है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। तो कर्ण पे कहां से लंब डालेंगे, 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डालेंगे, और इसकी लंबाई मेरे मित्र 6 दिया है। तो मैंने तो आपको इसकी लंबाई निकालना बताया है, जरा निकालिए। तो इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं मेरे मित्र, लंब गुने आधार और बटे में ये मेरा कर्ण। क्या मेरे मित्र ये किसी भी दशा में 6 आएगा? नहीं सर, ये 6 नहीं आएगा, ये किसी भी दशा में 6 नहीं आएगा। तो फिर 30 को देख करके 5 12 और 13 का ट्रिपलेट लगाना यहाँ पर सत्य नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा, मैंने चेक किया तो नहीं सेटिस्फाई हो पाया। तो अब क्या करें, कुछ नहीं, बेसिक फंडे का प्रयोग करेंगे, है ना। अरे जहां पे ट्रिपलेट पालन नहीं होगा वहां पे हम बेसिक फंडे का प्रयोग करेंगे। तो आज ट्रिपलेट का पालन नहीं हो पाया तो इतना क्या सोचना है, हम बेसिक फंडे का प्रयोग करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा बेसिक फंडे का प्रयोग क्या कीजिएगा। अरे भैया, बनाने से पहले आपको बता दे क्या प्रयोग करेंगे, आइए ना बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे ये सोचना होगा कि हमें चाहिए क्या। तो सर हमें चाहिए इस समकोण त्रिभुज का एरिया, दिया हुआ क्या है, परिमाप और कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई। तो आप मेरे मित्र मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं है। मैं इसे लंब को ए कह देता हूँ, आधार को बी कह देता हूँ, कर्ण को सी कह देता हूँ, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगा। नहीं सर, तो मुझे दिया हुआ है परिमाप, परिमाप कहने का मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। तो मेरे मित्र ये देखो, यहां से अगर मैं कर्ण पे लंब डाल देता हूँ, कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई, ये मुझे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ये मुझे क्या दिया हुआ है, 6। अगर मैं इसको अभी x कह देता हूँ तो मेरे मित्र क्या हो जाएगा, x बराबर, तो x बराबर क्या होता है, लंब गुने आधार बटे कर्ण। तो मेरे मित्र ये हो जाएगा लंब गुने आधार और बटे कर्ण, और यही जो कर्ण पर डाला गया लंब जिसको x माने हैं वो 6 दिया हुआ है, ये मेरे मित्र ए बी बटा में सी। अगर हम यहाँ से देखने भी गए तो फाइनली हमें ये दिखेगा क्या, ये ए बी है ना, ए बी और बराबर मेरे मित्र क्या दिखेगा, ये 6c दिखेगा। ए बी बराबर क्या दिखेगा, 6c दिखेगा। क्या इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे मित्र ये बताओ कि आपको चाहिए क्या। तो सर हमें चाहिए समकोण त्रिभुज का एरिया जो क्या होता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार हो जाएगा मेरे मित्र, गुने लंब और गुने मेरे मित्र क्या हो जाएगा, आधार, यही एरिया हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1/2 हो गया और इनटू मेरे मित्र इसके बदले क्या है, 6c, तो ए बी के बदले 6c रख देंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आज आंसर है वो किस पे डिपेंड करेगा मेरे मित्र, आज हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ सी पर डिपेंड करेगा। तो हमें सी फाइंड आउट करना होगा, वो कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। एक काम करो, जरा ये बताओ ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये 30 और सी प्लस में है, इधर आके सी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इधर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरे मित्र क्या 2ab, और इधर देख लो 30 का स्क्वायर 900, माइनस हो जाएगा 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे मित्र मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आखिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। तो कहिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तब तो मेरे मित्र सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। अब बताइए मेरे मित्र 2 है इनटू ab का मान वहां से क्या है, 6c है बराबर, इधर क्या हो गया ये 900 और माइनस में कितना 60c। अगर मैं 60c को इधर ले आता हूँ तो
12 और 60 आके क्या हो जाएगा 72 सी, और बराबर मेरे मित्र इधर 900। तो देखिए 18 चौके 72 और 18 पचे 90, तो फाइनली सी बराबर मेरे पास हो जाएगा 25 और बटे में 2। तो अब क्या सोचना है, यही सी बराबर यहाँ बैठा दीजिए, हो जाएगा 1/2 और मेरे मित्र ये हो गया 25/2, है ना, 1/2 यहाँ पर ये हो गया 25/2। जरा चेक करना अच्छे से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जरा अच्छे से चेक कर लेना थोड़ा सा मेरे मित्र, अच्छा फील करोगे कहोगे हाँ 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 सर, हाँ सर बिल्कुल अच्छा फील करना है, ऐसा नहीं है कि टेंशन में आना है। तो जरा ये देखिए 1/2 हो गया, 7 में 6 है, और मेरे मित्र सी का मान क्या रखेंगे, सी का मान 25/2 रखेंगे, ये क्या होने वाला है, ये मेरे मित्र होने वाला है 75/2 यानी 37.5, यही हमारा आंसर होने वाला है। तो मेरे मित्र कहीं कहीं पर क्या होता है कि हमें ऐसे भी सॉल्व करना पड़ता है, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं था, ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मेरे मित्र इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ऐसे क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को भी हमें लेकर चलना होता है। तो चलिए मेरे मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं, एक सवाल देख रहे हैं हम, कहिएगा क्या, मेरे मित्र एक छोटा सा सवाल और गजब का सवाल लिखा है, ये क्या लिखा है जरा इसको देखो, कहता है किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक है, मतलब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक में है, एक भी डेसिमल में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा यदि त्रिभुज का परिमाप 6 सेमी है तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एक बात बताऊं दोस्त, कहिएगा क्या, किसी त्रिभुज का पेरीमीटर अगर 6 है, किसी त्रिभुज का पेरीमीटर अगर 6 है और सारे साइड इंटीजर्स में है, कोई डेसिमल नहीं है, तो वो त्रिभुज कैसा हो सकता है। तो आप कहोगे सर तो फिर यहाँ पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, आओ पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, परिमाप 6 है तो मेरे मित्र 1, 2 और 3 या तो ये बोल सकते हैं, या मेरे मित्र हम बोल सकते हैं 4, 1 और 1, या मेरे मित्र हम बोल सकते हैं, ठीक है, 2, 2 और 2, है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बोल सकते हैं, कहेंगे हाँ सर इसके अलावा तो और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये परिमाप 6 परिमाप वाला ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी भुजा 1, 2 और 3 हो, नहीं सर नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि किसी दो को जोड़ने से तीसरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी दो को जोड़ने से तीसरे के बराबर हो जा रहा है। अब आप कहोगे सर 3 और 1 4, 2 से तो बड़ा है, अरे बेटा किसी एक को भी, है ना, किसी एक को भी मेरे भाई, किसी एक को भी, ठीक है, किसी एक को भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जरा इसको ढंग से, इसको तरीके से सब कुछ सोचना है, सब कुछ समझना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, कहिए क्या, किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, ये पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए किसी दो का योग तीसरी से बड़ा, किसी दो का योग तीसरे से बड़ा, किसी दो का योग तीसरे से बड़ा है, ये पॉसिबल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मित्र कि 6 परिमाप वाले अगर कोई ट्रायंगल पॉसिबल है जिनके सारे साइड इंटीजर्स में होंगे तो वो केवल और केवल एक ही ट्रायंगल है, 2, 2 और 2 साइड वाला, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज पॉसिबल है, इस त्रिभुज का एरिया बताइए, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर गुना भुजा स्क्वायर। ये गलती से इस चैप्टर में आ गया, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी आंसर अपना क्या आ गया, √3 आ गया, तो बस आंसर लगा दो √3 और आगे बढ़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, संभाव त्रिभुज में ये आएगा, ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट, आओ अगले सवाल की ओर चलते। अब मेरे मित्र अगला सवाल ये रहा, ठीक है, अब अगला सवाल ये रहा, आप इस पे विचार करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा आपको मजा भी आएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं, 3 लगातार संख्याएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो 3 लगातार संख्याएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसका एरिया क्या होगा। जानते हो जब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा जो है वो 3 लगातार नंबर है और लगातार नंबर में एक एक का अंतर होता है, तो ये एक एक के अंतर वाला, अरे समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा है तो निश्चित है क्वाड्रिपलेट का पालन करेगा, पाइथागोरस का पालन करेगा, तो पाइथागोरस का पालन करने वाला 3 लगातार नंबर,
क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें तीनों में लंबाधारकरण में एक एक का अंतर रहा हो? हाँ सर, एक ऐसा ट्रिपलेट है जो तीन लगातार नंबर से बना होता है, वो है 3, 4 और 5। ये तीन लगातार नंबर से बना हुआ है, ठीक है, यही ट्रिपलेट है जो तीन लगातार नंबर से बना हुआ है। तो फिर मुझे सोचना क्या है, मेरे मित्र इसमें कर्ण हाइपोटेन्यूज होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मुझे क्या करना है इसका, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना बन जाएगा 6 सेमी स्क्वायर। तो मेरे मित्र इसका आंसर हो जाएगा 6 सेमी स्क्वायर। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एग्जामिनेशन में ये मुझे याद तो रहेगा नहीं। अगर आपको एग्जामिनेशन में नहीं याद रहेगा तो आप क्या कर लो, एक भुजा को x-1 मान लो, एक को आप x मान लो और एक को आप x+1 मान लो, ठीक है। बोलो क्या ये तीन लगातार है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ये तीन लगातार भुजा है। अगर ये तीन लगातार भुजा है मतलब समकोण त्रिभुज की, तो सर ये तीन समकोण त्रिभुज की तीन लगातार भुजा है तो पाइथागोरस का पालन तो करेगा ही, तो आइए पाइथागोरस का पालन कराते हैं। क्या बोलिएगा सर? सुनिए, ये क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा सर? सुनिए क्या सर, कर्ण स्क्वायर माइनस है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है, यस और नो? यस। तो देखिए कर्ण स्क्वायर क्या है, x+1, आधार स्क्वायर क्या है x-1, और बराबर लंब स्क्वायर क्या है x2। मेरे मित्र यहां से भी हम अगर सॉल्व करने जाएंगे ये क्या होगा, a² - b² है, तो a-b या a+b का होल स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि a² - b² में a+b * a-b करिए। जब आप a+b करने जाएंगे तो 2x हो जाएगा, जब आप a और -b करने जाइएगा तो मेरे मित्र ये 2 हो जाएगा, बराबर ये क्या है x2। यहाँ से आप देख लीजिए x कट गया, यानी x का वैल्यू फाइनली क्या हो गया 4। अभी x का वैल्यू 4 होने से ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया 4 और 1 5। देखिए क्या वही तीनों साइड निकल गया? हाँ सर बिल्कुल निकल गया, बस बैठा के एरिया निकाल दीजिए। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज की जब भी तीन साइड आपके सामने आएगा तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। आइए मेरे मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे सर, ये एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकता है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है, कर्ण है 1 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसमें एक बार झंझट हो गया, ये विवादित क्वेश्चन है। कि ये क्या विवादित क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, देखिए लड़का क्या किया, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो लड़का इसको सॉल्व किया, कहा क्या कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब क्या 100 सेमी है ना, और लड़का ट्रिपलेट लगाया कि सर एक ट्रिपलेट हम जानते हैं, क्या जानते हो सर? तो सर वो ट्रिपलेट वो एक लाइन में कहा कि सर हम ट्रिपलेट जानते हैं 8, 6 और 10, अगर 10 गुना कर देंगे हो जाएगा 80, 60 और 100। तो वो कहा मेरे मित्र ये तो हम एक ट्रिपलेट जानते हैं, बस तुरंत क्या कर दिया, ये 100 था इसको 80 कह दिया और इसको मेरे मित्र वो 60 कह दिया, ठीक है, और फटाक से इसका एरिया निकाल दिया और कह दिया 1/2 इंटू बेस और इंटू में हाइट, वो मेरे मित्र सॉल्व करके दे दिया 2400 आंसर। संजोग से इस ऑप्शन में नहीं है, है ना, ये गलती से ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऑप्शन में था। लड़का क्या किया 2400 लेके आया और 2400 मेरे मित्र इसको लगा करके और वो खुश हो गया। अब जैसे ही वो खुश हुआ तो जब एसएससी वालों ने रिजल्ट दिया तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने मेरे मित्र इसको सही कर दिया और इसको गलत कर दिया। अब जैसे इसको गलत करके उसको सही कर दिया, लड़का दिमाग में टेंशन आ गया लड़का को, कहा सर ये कैसे हो सकता है, मैंने कहां गलती किया, मैंने भी तो सही किया, मैंने तो भी ट्रिपलेट लगाया, मैं तो ट्रिपलेट पढ़ा था, है ना। तो जानते हैं एसएससी वाले ने कहा क्या, कहा प्रभु आपने ट्रिपलेट लगाया इसमें आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन प्रभु आप ये क्यों भूल गए कि इसका एक कोण 15 डिग्री दिया हुआ है, जब मेरे मित्र समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के अलावे अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो फिर उसके सारे साइड उस एंगल के हिसाब से रहेंगे, ना कि ट्रिपलेट के हिसाब से रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ट्रिपलेट मान्य नहीं होगा। ट्रिपलेट मान्य तभी रहता है
जब तक समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के अलावे और कोई कोण डिफाइन नहीं रहता है, 90 डिग्री के अलावे और कोई कोण दिया हुआ नहीं रहता है, तभी तक ट्रिपलेट का, ऐसे ट्रिपलेट का पालन हो पाता है। लेकिन जब 90 डिग्री के अलावे अलग से कोई एंगल दे दिया तो फिर उस एंगल के हिसाब से काम होता है। तो मेरे मित्र, यहाँ पर एग्जामिनेशन ने लड़के के आंसर को गलत कर दिया, लड़के ने केस भी किया, लेकिन वो केस एसएससी वाले जीत गए क्योंकि उनका कहना बिल्कुल सत्य था। तो अब आपके मन में आएगा कि सर आखिर ये कैसे आएगा 1250, आप दिखा दो, बहुत बोल रहे हो। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए मेरे मित्र कि 10-15 डिग्री का मान क्या होता है। 10-15 डिग्री का मान √3-1 और बटे √3+1 होता है, जिसमें मेरे मित्र ये क्या है, लंब है, और ये मेरे मित्र क्या है, आधार है। हाइपोटनीज निकालोगे ये 2√2 आएगा, हाइपोटनीज निकालोगे 2√2 आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बस ये बताइए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या, 100 सेमी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एंगल क्या दे दिया है, 15 डिग्री, एक एंगल क्या दे दिया है, 15 डिग्री। अब आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कहिएगा क्या मेरे मित्र, समकोण त्रिभुज का एक एंगल 15, एक एंगल 90, तो निश्चित है कि ये क्या हो जाएगा, 75। बस इतना याद रखना कि समकोण त्रिभुज में कभी भी 90, 75 और 15 डिग्री का फंडा बनेगा, तो 15 डिग्री के सामने मेरे मित्र √3-1 हो जाता है, और 75 डिग्री के सामने मेरे मित्र √3+1 हो जाता है, और 90 के सामने 2√2 हो जाता है। समझना अच्छे से, 15 डिग्री के सामने √3-1 और 75 के सामने √3+1 और 90 के सामने 2√2, कहां से, यहां से, ठीक है। आप गौर से देखो, 15 डिग्री के लिए लंब ये है, आधार ये है, तो मेरे मित्र 15 डिग्री के लिए कोण के सामने ये लंब है, लंब √3-1, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो मेरे मित्र यही कर्ण जो 2√2 है वो दिया हुआ है 100। यहाँ से मेरे मित्र 2 से काटेंगे 50, √2 से काटेंगे 25√2, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा यहाँ पर 25√2, कितना, 25√2। अब आप बताइए, जब 1 यूनिट का मान 25√2, तो √3+1 यूनिट का मान क्या होगा, 25√2 और √3+1, ठीक। उसी तरह से इसका मान क्या होगा, जब 1 यूनिट का मान 25√2, तो इसका मान हो जाएगा 25√2 √3-1, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। अब क्या दिक्कत है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर होगा 1/2 गुने आधार, आधार हो गया 25√2 √3+1, और मेरे मित्र ये लंब कितना हो गया, ये लंब हो गया हमारे पास 25√2 और इंटू, ठीक है, √3-1। अब आप इसको गौर से देखने जाओ, होगे क्या, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 × 25 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और इंटू मेरे मित्र a+b × a-b, ये क्या हो जाएगा, a²-b², तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250 इतना सेमी स्क्वायर, 1250 इतना सेमी स्क्वायर। आप वेरी क्लियर लेके आ पाओगे, आपको कहीं से कोई आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप ढंग से इसे समझ पाए होंगे और आप ढंग से इसे कर भी पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए मेरे मित्र, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्यार से इस सवाल को मेरे मित्र देखिए, आप देखिए मेरे मित्र, इसके बाद हम आगे चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये अपना मेरा अंतिम क्वेश्चन है, जरा सा इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं उसी का ले आया, अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी पे आधारित ये सवाल, ये सवाल सही है। अब कहिए कैसे सही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2400 है, कर्ण दिया है 100 सेमी, अन्य दो भुजा में लंबाई का अंतर पूछ रहा है, क्या कोई डिग्री अलग से दिया हुआ है, नहीं ना। तो आज हम मेरे मित्र ये 100 लेकर के काम आराम से चला सकते हैं, क्या कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दो, समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण कितने हैं, 100 सेमी, तो कर्ण अगर 100 सेमी है तो लंब निश्चित है कि 60 होगा और आधार निश्चित है कि 80 होगा। अब ये जरूरी नहीं कि यही 60 यही 80 होगा, ये 80 और ये 60 भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मेरे मित्र, कर्ण 100 को देख करके लंब आधार को ये कह देना कि तुम 80 और 60 हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब बचे हुए इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होंगे। जरा एरिया निकाल के देखिए मेरे मित्र, आप एरिया जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे,
एक बटे दो गुने आधार यह 80 सेमी है और गुने में मेरे मित्र लंब ये कितना है, ये 60 सेमी है। आप कर दो मल्टीप्लाई, 40 मेरे मित्र कितना हो जाएगा, 2400 सेमी स्क्वायर। अब आप लोगों से मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, कहिए क्या एरिया सेटिस्फाई हो गया ना, कहेंगे हाँ। तो मेरे मित्र ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, तो जरा कर्ण और लंब का अंतर देख लो, तो कर्ण और लंब का अंतर क्या हो जाएगा 20 सेमी, क्या हो जाएगा 20 सेमी। तो मेरे मित्र हमारा आंसर क्या हो गया 20 सेमी। आई होप सॉरी कर्ण लंब का अंतर बोल दिया, कर्ण को छोड़कर अन्य दो जो भुजा बचे हैं उनका डिफरेंस कितना 20 सेमी। आपको कहीं से कोई आपत्ति नहीं। तो मेरे मित्र ऐसे तो ये खत्म हो गया, इसमें अब क्वेश्चन नहीं रह गया। एक क्वेश्चन मैं अपनी ओर से आपको लिख के बता देता हूँ और फिर अभी यहीं पर मेरे मित्र हम बाय बाय कर देंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे मित्र लगातार बनिए, लगातार जुड़िए। देखिए मेरी मुहिम कुछ अलग है, लेकिन आप लोग उस मुहिम में पूर्णतया साथ नहीं देते हो, आप लोग वही गलती करते हो जो बरसों बरस से किए आ रहे हो, ठीक है। और मेरी मजबूरी ये हो जाती है कि मैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता, वो कहते नहीं अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, तो वही कुछ कहानी मेरा है। अकेले मैं क्या कर सकता हूँ, अकेले मैं चाह के भी आपके सोच को बदल नहीं पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप लोगों के माइंड में पता नहीं क्यों ये चीज क्यों बस गया है कि रेलवे का मतलब GKGS। भाई मेरे रेलवे का मतलब GS नहीं है, रेलवे का मतलब GS नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। रेलवे का मतलब GS या GK नहीं है, रेलवे का मतलब सबसे पहले मैथ रीजनिंग, सबसे पहले मैथ रीजनिंग है। अगर मैथ रीजनिंग नहीं रहा तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, मैथ रीजनिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए GKGS में आप 100% तो एक्यूरेसी नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन जनरली बात किया जाता है, अधिकांशतः बात किया जाता है, ठीक है, कि अधिकांशतः क्या सही है, ठीक है। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, उसमें हमने कभी किसी को न मना किया है न मना करने का अधिकार है मेरे पास, ठीक है। आओ ज़रा सा देखो, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ मेरे मित्र, क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, भुजाओं में से समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई, ठीक है, ये मेरे मित्र 126 सेमी है, 126, ठीक है। इस त्रिभुज के कर्ण, देखिएगा त्रिभुज के कर्ण एवं अन्य समकोण बनाने वाली भुजा, अन्य समकोण बनाने वाली भुजा में 42 सेमी का अंतर है, 42 सेमी का अंतर है, ठीक है। तो त्रिभुज का कर्ण होगा, ठीक है मेरे मित्र। यहां पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप पहले वीडियो को रोक करके खुद से बनाने का प्रयास करिएगा और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
200 सेमी और मेरे मित्र ये हो गया 310 सेमी। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। मेरे मित्र मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कहिएगा सर क्या पूछना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा चीज लिखा है। क्वेश्चन में हमें कहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजाओं में से एक की लंबाई 126 सेमी है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली कौन कौन सी भुजा होती है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा मेरे मित्र लंब और आधार, यही लंब और आधार होती है। कहता है समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई 126, लीजिए एक की लंबाई 126 हो गई। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई 126 है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, कर्ण एवं अन्य समकोण बनाने वाली भुजा, कर्ण एवं अन्य समकोण बनाने वाली भुजा में अंतर है 42 का, इन दोनों में अंतर 42 का है। तब तो अगर मैं इसको ए कह दूंगा ये ए प्लस 42 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कर्ण होगा आधार से बड़ा ही होगा ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो मेरे मित्र ये अपना क्या हो गया, ए प्लस 42। तो सर हम कर्ण निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करो, आराम से कर्ण निकाल लोगे। तो कैसे मेरे मित्र? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं सर? हम कर सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर। तो 126 का होल स्क्वायर, आप दिमाग लगाइए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इसको a प्लस बी करने जाऊंगा ये हो जाएगा 2a प्लस 42, ठीक है। अगर मैं a माइनस बी करने जाऊंगा a से a कट जाएगा, बच जाएगा 42, और बराबर इधर क्या रह जाएगा 126 इंटू 126। अब देखिए इससे मेरे मित्र वो कट गया कितनी बार में, तीन बार में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 2a बराबर लिखना भी चाहूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 18, 3 2 6 और 1 7, ये मेरे मित्र 3, और 42 जाके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 42 जाके घटेगा। तो 2a बराबर ये कितना हो जाएगा, ये मेरे मित्र हो जाएगा 6 7 में 4 गया तो 3, और ये मेरे मित्र 3। इसका मतलब है कि यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 16 2 32, ठीक है, और 8 2 16 168 नजर आएगा, 168। तो हमें तो a आया है ना, हमको तो कर्ण चाहिए। तो कर्ण क्या करेंगे, 168 इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे मेरे मित्र ये 0 6 4 10 1 11 210 नजर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 210। तो मेरे मित्र इस तरह से आप आंसर 210 ले आए। लेकिन अगर मेरा एक मेथड यूज करिएगा तो एक तरीके से और भी आप बना सकते हैं। कहिएगा क्या मेरे मित्र, जब भी हम 126 के बारे में सोचते हैं, समकोण त्रिभुज के किसी भी भुजा से हम ट्रिपलेट सोच सकते हैं। जैसे कि 126 एक भुजा है, वो कर्ण नहीं है लेकिन एक भुजा है। तो 126 को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो लगता है कि सर ये 9 का मल्टीपल है। क्या 9 का मल्टीपल है? एक काम करते हैं, 9 का एक बेसिक ट्रिपलेट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 9 का एक ट्रिपलेट होता है 9, ध्यान से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, 9 12 और मेरे मित्र क्या 15, 9 12 और 15। एक काम करिए इसको 14 से गुना करिए, क्योंकि 14 9 126 होता है, तो 14 9 126 हो जाएगा। 14 से इसको गुना करेंगे 14 2 28, 14 1 14 2 16 हो जाएगा। 14 से इसको गुना करेंगे 14 5 70, 14 1 14 7 21 हो जाएगा। बिल्कुल यही ट्रिपलेट काम कर रहा है, यही ट्रिपलेट काम कर रहा है। मैंने क्या किया इसको मेरे मित्र, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए जिसकी एक भुजा 126, दूसरा 168 और तीसरा 210। तो मेरे मित्र यहाँ से भी आप कर्ण 210 बोल सकते हैं, आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं मेरे मित्र। मैं आज आपका राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। तो क्या सोचते हैं आप, क्या है आपका थिंकिंग, आप अपना थिंकिंग जरूर बताइएगा। और मेरे मित्र एक बार फिर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहते हैं, रेलवे की अंतिम तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एडवांस मैथ से स्ट्रगल कर रहे हैं, एडवांस मैथ में फंस रहे हैं, तो मेरे मित्र यह बैच जो 1 जून से शुरू होगा, 1 जून से सुबह 7:30 बजे 1.5 घंटे का ये बैच है, 45 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। केवल फी 200 रुपए है। अपना गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करके आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।